चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका कि क्या इंडिया गठबंधन बिखरने लगा है, क्या मुद्दों पर टकराव शुरू हो गया है। सवाल इसलिए है क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर आम आदमी के सांसदों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली के सीएम को रिहा करने की मांग की है, एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप पड़ा है, लेकिन आपके प्रदर्शन में विपक्ष का कोई भी नेता शामिल नहीं, किसी ने भी आम आदमी पार्टी के साथ नहीं दिया। ऐसे में सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या केजरीवाल पर एक्शन के विरोध में आम आदमी पार्टी अलग थलग पड़ गई है। इन सवालों पर सियासत भी होती रही है और इन सब के बीच संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण भी हुआ, जिसमें उन्होंने आपातकाल से लेकर पेपर लीक तक कई बड़ी बातें कही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसदों ने राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं सुना, उन्होंने अभिभाषण का बहिष्कार किया। हालांकि अब सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहिष्कार वाली सियासत बंद होनी चाहिए। आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, जनता के बीच गए वो राय आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो। हाथों में तख्तियां, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप और दिल्ली के सीएम को रिहा करने की मांग उठाकर केजरीवाल के सिपाहियों ने संसद परिसर में नारेबाजी की। बस तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा, प्रधानमंत्री जवाब दो। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के सांसदों ने आवाज बुलंद की, लेकिन आम आदमी पार्टी सांसदों के इस प्रदर्शन पर सवाल खड़े हो गए। सवाल उठे कि क्या केजरीवाल के सिपाहियों ने राष्ट्रपति का अपमान किया। सवाल इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर आम आदमी पार्टी के नेता प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार पर निशाना साध रहे थे, एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप मढ़ रहे थे। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो 3 बार से प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और किस दिन जेल में डाला गया? जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत पर मोहर लगनी थी, जब सुप्रीम कोर्ट से उनके छूटने की पूरी संभावना थी, उस वक्त केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, ईडी कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। तो मैं समझता हूं कि ये एक तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है और भारत के प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के ऊपर बोलना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को रिहा करना चाहिए। इस मांग को लेकर आज हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं। संजय सिंह ने केजरीवाल को रिहा करने की मांग की, लेकिन आपके इस प्रदर्शन ने विपक्षी एकजुटता की कलई खोल दी। केजरीवाल के सिपाही प्रदर्शन करते रहे, लेकिन ना ही कांग्रेस का कोई नेता साथ देने आया, ना ही समाजवादी पार्टी, ना ही आरजेडी। ऐसे में सवाल खड़े होने लगे कि क्या केजरीवाल पर रिएक्शन के विरोध में आम आदमी पार्टी अलग थलग पड़ गई, क्या केजरीवाल के मसले पर विपक्ष में फूट पड़ गई। इन सवालों के बीच संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, जिसमें राष्ट्रपति मुर्मू ने आपातकाल से लेकर पेपर लीक और बजट से लेकर गांव, गरीब, किसान और नौजवानों के लिए सरकार का एक्शन प्लान क्या है, 50 मिनट के अभिभाषण में इसके संकेत दे दिए। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए ये उचित नहीं है, इनमें सुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में सरकार का एजेंडा क्या होगा, सरकार की नीतियां क्या होंगी, राष्ट्रपति के अभिभाषण से कई तस्वीरें साफ हो रही हैं। लेकिन जिस तरह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार वाली सियासत की और इसमें विपक्षी दलों का साथ नहीं मिला, ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या संसद सत्र शुरू होते ही इंडी गठबंधन में अलग अलग मुद्दों पर बिखराव दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
इसी मुद्दे को लेकर कई सारे सवाल हमने पूछे और उन सवालों पर लोगों ने अपनी राय भी दी है। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा था कि क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहिष्कार की राजनीति बंद होनी चाहिए, 76% यानी कि 76% लोगों ने कहा हाँ होनी चाहिए, 20% लोगों ने कहा नहीं होनी चाहिए और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो और ज्यादा महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति के अभिभाषण की सबसे बड़ी बात क्या है, 20% लोगों ने कहा नीट पर एक्शन की बात राष्ट्रपति ने की, 6% लोगों ने कहा आपातकाल पर काला धब्बा कहा, 6% लोग CAA को बड़ी उपलब्धि की बात कर रहे थे और 55% लोग तीसरी इकोनॉमी भारत बनेगा इसका जिक्र कर रहे थे और 13% कोई भी विकल्प इनमें से चुनना नहीं चाहते थे। चर्चा करेंगे, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, अश्वनी शाही जो कि नेता बीजेपी हैं, सुजाता पाल नेता कांग्रेस के हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जो कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात मैं करूँगा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से, उनसे पूछने की कोशिश करूँगा। अश्वनी शाही साहब क्या कहेंगे आप? जी देखिए, भारत के स्वतंत्र भारत के उसमें ये जिस तरीके से महामहिम का अपमान किया गया आज आम आदमी पार्टी के लोग द्वारा, राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वो सरकार किसी राष्ट्रपति के सहयोग से प्रधानमंत्री और वो सभी लोग उनके सहयोगी होते हैं और वो सरकार की उपलब्धियों के बारे में, सरकार के कामों के बारे में अभिभाषण में बताया जाता है और महामहिम राष्ट्रपति के भाषण का वो बहिष्कार करना एक तरह से उनका सीधा सीधा अपमान है। लेकिन क्या करेंगे, ये जो लोग अपने आप को खुलेआम अनार्किस्ट कह चुके हैं उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है, वो लोग अपमान करेंगे, उनको ये लग रहा है कि हमारा एनार्किस्ट प्रधान जो है मुख्यमंत्री इस समय जो है जेल में बंद है, कहीं भी उनके शुचिता का कोई मामला तो है नहीं, न नियति है न नीति है और न उनके जो है कहीं किसी तरह का उन लोगों को शर्म है कि देश के प्रधानमंत्री का नया आज सदन का नया पहला अभिभाषण है और सदन के सत्र का कुल मिलाकर प्रोफेसर भुवन साहब, अश्वनी जी का ये कहना है कि आप हर मामले में राजनीति करते हैं, हर मामले में विरोध करते हैं, आपने इस मामले में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी विरोध कर दिया जबकि इसकी जरूरत थी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को अनार्किस्ट कह रहे और आपके एक प्रतिष्ठित चैनल पे कह रहे हैं, मैं इसको इस पर घोर आपत्ति है कि दिल्ली की जनता के अपमान के रूप में मैं इसको देखता हूँ। और रही बात अभिभाषण की, माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था, हमारी पार्टी ने उसको सुनने का काम करा लेकिन जो हमारे नेता ने कहा ये सरकार का भाषण है, ये सरकार का भाषण था, इस तरह से हमारे नेता ने जिस भाषण को कहने का काम करा है। और जो आपने आज जो चर्चा चलाई है कि क्या आम आदमी पार्टी अकेले है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी साजिश करी कि विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हो, हालांकि वो पिछली बार 10 साल में जो विपक्ष के भ्रष्टाचारी थे उनको अपने साथ लाकर गंगा जल से नहला चुके हैं, ये पूरे देश ने देखा है क्योंकि उनके पास वो एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत वो धुल के साफ हो जाते हैं, वो तो बहुत सारे लोग हैं उसमें, चाहे वो अजीत पवार साहब हों, वो शुभेंदु अधिकारी हों, नारायण राणे, पूरी सूची है क्योंकि वो काम करने का काम करा और हम लोग खड़े हैं केजरीवाल सर आपके साथ क्योंकि आज, लेकिन आज आपने साथ नहीं दिया है। एक और सर्वे का सवाल है वो इसी से जुड़ा हुआ है, मैं पूछ रहा हूँ, सर्वे का सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो सवाल था कि क्या केजरीवाल पर एक्शन के विरोध में आम आदमी पार्टी अकेली पड़ गई है, 28% लोगों ने कहा हाँ अकेली पड़ गई है, 69% लोगों ने कहा नहीं अकेली नहीं पड़ी है और 3% लोगों ने इन दोनों में से किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। सुजाता जी हमारे साथ मौजूद है, एक बार मैं उनसे पूछ लूँ, सुजाता जी आपको लगता है, क्योंकि ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, आप तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव भी लड़े हैं, ये बात अलग है कोई सीट नहीं आ पाई है, लेकिन बावजूद अगर संसद में संघर्ष कर रही है आम आदमी पार्टी तो आप तो उस संघर्ष से गायब दिखाई दिए। देखिए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोग अपने अपने पार्टी के हिसाब से निर्णय भी लेते हैं और एक अलायंस में होते हैं तो एक साथ आकर भी निर्णय लिया जाता है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो एक पार्टी अगर कर रही है, अगर उसमें वो विरोध दर्ज करवा रही है तो उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए और इसका मतलब
बिल्कुल ये नहीं हो जाता कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में इंडिया अलायंस के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का मतभेद है। ये कयास तो लगाए भी जाएंगे और पीएमओ जो है ये वाले सवाल जो है ऐसे ही फैलाते भी रहेंगे। वहाँ पे एक है ना जिनके माध्यम से ये खबरें आती रहती हैं, पता नहीं आप तक पहुंची या नहीं, इसलिए लोगों को ये बताने की कोशिश कि सब कुछ चंगा नहीं है और सिर्फ चंगा जो है वो एनडीए में है, तो वो कोशिश रहती है। इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिल्ली की जहां बात आ जाती है तो दिल्ली पर दिल्ली के विधान, मेरा सवाल सुजाता जी इसलिए भी था क्योंकि कांग्रेस का एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं दिखाई दिया और आम आदमी पार्टी जब बहिष्कार कर रही थी तो समाजवादी पार्टी के नेता जो अभी प्रोफेसर साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उन्होंने कह दिया कि नहीं हम बहिष्कार नहीं करेंगे, हम राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनेंगे क्योंकि ये परंपरा है। तो इसका मतलब अलग अलग तरीके से दिखाई दे रही है ना चीजें। देखिए कई तरह के विरोध होते हैं और हर तरह के विरोध को होना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी को लगा कि इस वक्त उनके नेता भाई, उनके मुख्यमंत्री जो हैं वो पूरी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, सभी नागरिकों के मुख्यमंत्री, अगर वो जेल में हैं, एक्सक्यूज मी, अगर वो इसके ऊपर अपना विरोध दर्ज करवाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे उनको ये अधिकार है। हमारी पार्टी जिस तरीके से उनके साथ खड़ी है या वो हमारे साथ खड़े हैं वो हमारे बीच की बात है। और भारतीय जनता पार्टी एलजेपी के इस वाले से और एलजेपी के उस वाले से क्या करती है उस पर कभी चर्चा नहीं होती। वो होगी तो उस दिन हमारे से भी सवाल कर लीजिएगा, हम आपस में बात करके आपको तब बताएंगे कि हमें क्या कहना है। चलिए आपस में बातचीत हो जाएगी। सर्वे का एक और सवाल जो और महत्वपूर्ण है वो सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या संसद से भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक सेंगोल हटा देना चाहिए। 28% लोगों ने कहा हटा देना चाहिए, 69% लोगों ने कहा यानी कि 69% लोगों ने कहा नहीं हटाना चाहिए और 3% लोग ऐसे थे जो उस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहन जी, भवन जी, साफ तौर पर ये आप ही के सांसद ने चिट्ठी लिखी थी कि जो सेंगोल है वो राजतंत्र का प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है और इसे हटाना चाहिए। हालांकि अखिलेश यादव गोलमाल कर गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन अचानक से ये सेंगोल पर राजनीति शुरू हो गई। देखिए पहले मेरे को थोड़ी सी आपने बात नहीं रखने दी, मैं आपके विषय पे भी आ जाऊंगा, लेकिन जो पहले आपने जो बात रखी, हमने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के आम आदमी पार्टी के साथ है। कल आतिशी जी पूरे प्रदेश के जल संकट पे धरने पे थी, प्रदर्शन हुआ, उसके बाद उसकी तबियत खराब हुई, माननीय अखिलेश जी उनका स्वास्थ्य लाभ लेने भी गए। मैं तो बाहर क्यों नहीं निकले, आम आदमी पार्टी जो प्रदर्शन कर रही थी उसमें शामिल क्यों नहीं हुए? मैं बता रहा हूँ, मैं आप ही की बात बता रहा हूँ, इसमें आप ही की गलती है। गलती ये है कि आप आज बहस दूसरी चला रहे होते। आज आप बहस क्या चला रहे होते कि समाजवादी पार्टी आज अभिभाषण का विरोध करा, वो उनके उनको नहीं सुनना चाहती, संवैधानिक मर्यादा को करा, ये बहस चलने का मौका नहीं दिया हमने आपको। हमने इसलिए कहा कि हम समाजवादी पार्टी खड़ी है, हम कल ही हमारे नेता देख के आए उनके स्वास्थ्य को, हम लोग उनके साथ खड़े हैं अभी। अरे भाई, अखिलेश यादव ने कह दिया कि हम बहिष्कार नहीं करेंगे, हम आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। हमारे ही पार्टी का स्टैंड ये था कि हम अभिभाषण को सुनेंगे, उन चर्चाओं को। तो इसका मतलब अपनी ढपली अपना राग चल रहा है ना, इसका मतलब आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, वो सीधे उठाए और विरोध करने बाहर चले गए और वो उम्मीद कर रहे थे कि उनका साथ विपक्षी गठबंधन दे। मैं उसी बात को आपको कहना चाह रहा हूँ, कल वो माननीय अखिलेश यादव जी, उनका वो किस पार्टी की है जो बीमार है, वो वहां पर किस लिए बीमार हुई, उनका स्वास्थ्य क्यों खराब हुआ, जल के लिए लड़ रही थी देश प्रदेश के जल के लिए, दिल्ली के जल के लिए, माननीय अखिलेश जी आज गए, उनका स्वास्थ्य लाभ लेके आए, तो इसलिए लेके आए क्योंकि वो जनता की लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग साथ हैं। लेकिन आज आपकी बहस का ही मुद्दा दूसरा होता, आपका बहस का मुद्दा ये होता कि माननीय अखिलेश यादव जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का अपमान करा, हमने ये मौका नहीं दिया, हम हर लड़ाई में खड़े रहेंगे, हर लड़ाई में खड़े रहेंगे। लेकिन चलिए सर्वे का पांचवा सवाल ले लेते हैं, सर्वे का पांचवा सवाल ये है कि संसद सत्र शुरू होते ही इंडिया गठबंधन में अलग अलग मुद्दों पर बिखराव दिखने लगा है। 69% लोग हाँ कहते हैं, 25% लोग ना कहते हैं और 6% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे जनाब? अश्वनी जी अनम्यूट है,
अनम्यूट कर। जी 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 देखिए मनोज जी, अभी फिलहाल दो बातें आई हैं अभी शुरू में। मैं भुवन जी को, एक प्रोफेसर हैं और अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन बताना चाहता हूं याददाश्त इनकी कमजोर है। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि मैं एनार्किस्ट हूं, ये मैंने नहीं कहा इस चैनल पर, तो इसलिए लिहाजा जो है इस तरीके के आरोप ना लगाएं जो आपके ऊपर शोभा ना दे रहे हों। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने मुंह से कहा, मुख्यमंत्री रहते कहा है। दूसरी बात, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारी कह रहे थे कि सब चंगा थी, ये रिपोर्ट जो है वो करते हैं, क्योंकि तो कहाँ चंगा है। दिल्ली में ये लोग लड़े साथ में, गोपाल राय ने टाटा बाय बाय कर दिया कि अब हमारा विधानसभा में कुछ है ही नहीं है। सबसे ज्यादा घड़े तो कांग्रेस के लोगों ने फोड़े हैं पानी पर, जिस पर अभी हमारे प्रोफेसर साहब जो है बयान दे रहे थे कि गए थे वहां मिलने। दिल्ली की सरकार चलाने में असमर्थ है। एक बार इन लोगों ने असमर्थता जताई थी तो केंद्र सरकार ने मदद की थी उन लोगों की, जब कोरोना का मामला था, ऑक्सीजन दिया था। अब असमर्थता नहीं जता रहे, अपनी ही सरकार के खिलाफ बैठ गए हैं धरने पर। अब तीसरी बात, आपने जो सेंगोल पर बात की, मैं कहना चाहता हूं सेंगोल पर ये राजनीति कर रहे हैं। इनके समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनको राजधर्म और राजतंत्र में फर्क नहीं पता है। राजतंत्र की तो बात कर रहे हैं, राजधर्म का प्रतीक है सेंगोल, और उस राजधर्म को कि अगर राजा के सामने तो राजा आज का कौन होता है, जो हम लोकतंत्र में राजा जो है चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, राजधर्म को याद दिलाता है वो, और वो उसका। सुजाता जी मुस्कुरा रही हैं आपकी बात सुन के। सुजाता जी मुस्कुराइए नहीं, जवाब दे दीजिए आप अपने अंदाज। हमारा जवाब पूरा, मनोज जी हमारा जवाब पूरा हो जाने। सुजाता जी के जवाब मुस्कुराएंगे नहीं, मनोज जी इन्होंने वो बात राजधर्म और राजतंत्र में इनको अंतर नहीं पता है। तानाशाह बनना, अश्विनी जी जवाब ले लें सुजाता जी से, सुजाता जी को सुन लेते हैं। सुजाता जी इनकी नियति है भारत के प्रति, सुजाता जी जवाब दे दीजिए। अगर ये चुप हो जाए, अश्वनी जी एक बार सुजाता जी को सुन लेते हैं। मनोज जी इन्होंने तो वही बात कह दी जो हम पिछले 10 साल से कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो खुद कह रहे हैं कि एक अकेला सबसे भारी और सबको अब लेना पड़ रहा है उन्हें बारी बारी, वो तो सचमुच में महाराजा धीराज शहंशाह आलम बनना चाहते हैं, इसीलिए तो वो राजा बनकर सेंगोल लेकर राजदंड देना चाहते हैं। आपको याद है ना जिस दिन सेंगोल को लेकर आए थे ये हमारे संसद में, वो भी नए संसद में, उस वक्त हमारी बेटियां, हमारी पहलवान बेटियों को रगड़ा जा रहा था पुलिस के द्वारा, उनके ऊपर राजदंड चल रहा था और उन्हें घसीटा जा रहा था दिल्ली की सड़कों पे कुछ ही दूर। उस वक्त मणिपुर में जो हो रहा था और त्राहिमाम करती हुई जनता बोल रही थी कि हमारी ओर नहीं है, पूरा हमको बोलने का मौका आपने नहीं दिया और इनका भाषण मैं नहीं सुन पाऊंगा क्योंकि मैं जवाब हमको ये जवाब दे पूरा सुन के कि वो राजदंड का इस्तेमाल करे उचित नहीं है। आपको मौका मिलेगा अश्वनी जी, आपको मौका मिलेगा, मैं शुक्रिया करूंगा। सुजाता जी का समय का अभाव है, फिलहाल इस विषय को हम खत्म करते हैं।